आज मेरा चैनल में बोहेमियन डॉक में आपका फिर से स्वागत है। हम आज एक खास जगह आपको लेके जाएंगे और एक खास चीज़ आपको दिखाएंगे जिसका मेरा कभी अंदाज़ा नहीं था कि मैं पार्ट हो पाऊँगा। ये है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए जो रिकॉर्ड का अटेम्प्ट है, मैं वो देखने गया था पाम जुमेरा में, क्योंकि एक मैनमेड आर्किपेलागो मतलब आइलैंड की कलेक्शन है दुबई के एक साइड में, जुमेरा साइड में ये होती है। आप लोगों में बहुत लोग शायद आके देख के भी गए होंगे, बहुत फिल्म में दिखाते हैं। तो उसी आर्किपेलागो वो आइलैंड्स में एक जगह है जहाँ पर एंड पॉइंट आती है, बीच में फिर समुंदर है, उसके उस साइड में अपोजिट साइड में एटलांटिस होटल है जो कि बहुत फेमस है। तो इसी बैकड्रॉप में वेस्टर्न साइड ऑफ दुबई में हम पॉइंट बोलते एक जगह है जिसका एंड पॉइंट है लैंड का, इसी के लिए नाम है पॉइंट। तो उस पॉइंट में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया जाए, वर्ल्ड लार्जेस्ट फाउंटेन। ये फाउंटेन पाम फाउंटेन नाम में माना जाएगा, इसका डिटेल्स हम स्क्रीन में दे देंगे। 22 अक्टूबर को हम वहाँ पे गए, दैट इज़ सी वैटन। हमें कुछ आइडिया नहीं था कि कितनी ज़्यादा बची हो, पूरा दुनिया के लोग आके भीड़ जमा रखते हैं और लोग फ्री का टिकट फिर भी खरीद के आए थे। 5,000 से के अंदर उससे ज़्यादा अलाउड नहीं था अटेंड देखने के लिए, चारों तरफ के जो ओपन रेस्टोरेंट्स थे वो ब्लॉक थे। मैं कोशिश करूँगा जो फायरवर्क्स मैं देख पाया उसका पार्ट आपको दिखाने चलते हैं वहाँ पे। और उसके पहले आप सब्सक्राइब करने मत भूलिए, हमारा जो चैनल छोटा सा चैनल धीरे धीरे बढ़ रहा है, आपके आशीर्वाद से फ्यूचर में और भी बड़ी होगी, आपको और भी कुछ दिखा पाएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ रहिए।
तो कैसा लगा? हमें तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए। बहुत सारे बच्चे चिल्लाने लगे डर से, इतने आवाज़ हो रहा थे, शोर शराबा हो रहा था, लेकिन वो पटाखा के धूम से वो लोग डर गए। बड़े बच्चे थे वो बहुत मज़े में घूमने लगे, जगह बहुत मस्त है। बच्चों के लिए, बड़ों के एंटरटेनमेंट की बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, हम कुछ दिखाएंगे। सक्सेसफुल रहा नखिल, जो वर्ल्ड का बहुत फेमस एक कंपनी है आर्किटेक्चरल सब वर्क्स के लिए, दुबई में बेस्ड है। दे हैव ऑर्गेनाइज दिस थिंग एंड नाउ ऑफिशियली पाम फाउंटेन हैज़ बिकम दुनिया के सबसे बड़ा फाउंटेन। म्यूज़िक के साथ हर रोज़ यहाँ पे फ्री में आप देख सकते हैं। आने का रास्ता टैक्सी से मेनली है, लेकिन मोनोरेल ऊपर से गया है। वो मोनोरेल यहाँ पे एक स्टेशन बन रही है, हम देख रहे हैं, कुछ ही दिनों में बन जाएगी, तो आप एकदम डायरेक्टली पॉइंट में आप उतर पाएंगे। अभी तक टैक्सी इज ओनली वे ऑफ कम्युनिकेशन, और प्राइवेट कार्स अगर आपके पास हो तो। हम टैक्सी में गए थे, मोनोरेल जहाँ से स्टार्ट होती है उस जगह से लगभग आपका मिनिमम फेयर 12 दिरहम्स में आ जाएगी, और मेट्रो से आएंगे तो लगभग 24 दिरहम्स में नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, जो कि इंटरनेट सिटी, दुबई इंटरनेट सिटी मेट्रो स्टेशन, वहाँ से मिल जाएगी आपको। और वापस जाने का तरीका सेम है। टैक्सी लेने का यहाँ पे जो तरीका है बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है। एक साइड में यहाँ के लोकल्स और पुलिस मिलके आपको हेल्प करेंगे। और यहाँ का जो सिचुएशन आज जो था बहुत ही क्राउडेड था, खचाखच भरा हुआ। उसके ऊपर 4 बजे से यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हो रहे थे, लाइव था, म्यूजिक था, और मैजिक शोज बहुत कुछ यहाँ पे हुए, बट सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके। इसके बारे में सिक्योरिटी बहुत केयरफुल रहा। हम तो कोई जगह देखें कि आर्गुमेंट होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ, बिकॉज देयर वर काम एंड क्वाइट। ऑल द प्रेज टू दुबई पुलिस। एंड यहाँ पे इवनिंग में खास करके 7:30 के आसपास से मेन प्रोग्राम जो था वो फाउंटेन का अटेम्प्ट हुआ, वो हम देख नहीं पाए मेरी गलती से। फ्यूचर में उम्मीद है और दूसरा कुछ होगा तो पहले से इंतज़ाम करके जाएंगे। और थैंक यू फॉर स्टेइंग विद द चैनल एंड वॉचिंग द शो। अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं किए हुए तो सब्सक्रिप्शन कर लीजिए। फ्यूचर में हम कोशिश करेंगे हमारा छोटा चैनल और भी मज़ेदार चीज़ें दिखाने के लिए इस चैनल में। तब तक के लिए शुक्रिया।